तुम बेवे मिनट खाज रहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी पूरी हो। जस्टिस आवाज दो हमें दे, आवाज दो हमें दे, आवाज दो हमें दे। को इम्प्लीमेंट फोर डॉलर, इम्प्लीमेंट फोर डॉलर, इम्प्लीमेंट फोर डॉलर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत मुश्ताक है। मैं एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर हूँ, रमसा को बिलोंग करती हूँ। अभी जो हम यहाँ पे गैदर हुए हैं वो यही है कि हमारी सर्विसेज को रिहायर कर लिया जाए फिर से। काफ़ी अरसे से हम बाहर हैं, जबकि स्कूल जो चल रहे हैं, चाहे कोविड था, अभी तो कोविड नहीं है, इस दौरान क्लासेस चल रही थी वेदर ऑनलाइन जैसे भी, बट हम लोगों को इससे जो है डिप्राइव रखा गया। हमारी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग हुई, हमारी CID वेरीफिकेशन हुई, पुलिस वेरीफिकेशन हुई, दो ढाई महीने ऐसा रहा जब हम रिक्रूट हुए। हमारे से ड्यूटीज़ ली गई, इलेक्शन ड्यूटीज़ ली गई, हमारे से ट्रेनिंग ली गई डाइट में। तो ऐसा बहुत कुछ था कि हमें ये पता था कि हम स्कीम के अंडर अच्छे से काम करेंगे स्मूथली, बट ना जाने क्यों इतना बेसिक क्वालिफिकेशन हमारी, इन्होंने PG BEd रखी थी, फिर हमें ही इन्होंने सी आउट क्यों कर दिया। हम किसी के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, बट अगर हमारा जो इन्होंने डिमांड रखी थी कि यू शुड बी PG प्लस BEd, तो आप खुद सोचें कि कितनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर, साइंस के लिए पर्टिकुलर, मैथ्स के लिए पर्टिकुलर, तो बच्चों को क्या मिल रहा था। मैं अपनी बात करूँ, मैं PG हूँ, BEd हूँ, नेट सेट हूँ बॉटनी में, ये तब हुआ था, और उसके बाद मैं PhD के लिए चली जाती, बट अनफॉर्चुनेटली ये जॉब मिली जो एक होप था कि हाँ वर्क करने के लिए हम केपेबल हैं, करेंगे, और हम वहाँ चले गए। और उसमें उससे भी बाहर आ गए, तो आप सोचें कैंडिडेट्स कितने स्पॉइल हो गए, हमारा फ्यूचर कितना स्टेक पे लगा दिया। बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आप देखें कि हम जॉबलेस हैं, घरों में बैठे, इतना पढ़ लिख के ओवर एज हो गए बहुत सारे कैंडिडेट्स। अनएम्प्लॉयमेंट का आप ये देखें रेट क्या है, रेशो क्या है, तो हम लोग कहाँ खुद को एब्जॉर्ब करेंगे। और आप ये भी देखें, ये नहीं है हम ये कह रहे हैं कि परमानेंटली ले लो, हमें टेम्परेरी जब तक हमारा स्कीम चल रहा है तब तक हमें ले लो। हम अराउंड 550 हैं, 550 जम्मू के टीचर्स को इंक्लूड करके हम लोग हैं जी। अब हमारी यही डिमांड है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, स्कूल वगैरह जो भी है, हमें फिर से रिहायर करो। हमारी कोई ऐसी डिमांड इशू नहीं रहेगा फर्दर कि हमें रेगुलराइज कर दो, ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे हम। जब तक स्कीम चल रही है, जब तक डेटा ऑपरेटर्स इस स्कीम में जो हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, हमें भी काम करने दो।